अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा गाय के दूध एवं उससे निर्मित पदार्थों को भी शीघ्र ही उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की दुग्ध समितियों में पशुपालकों द्वारा दिए गए दूध की संपूर्ण जानकारी का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने शनिवार को प्रेस वार्ता में अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के संचालक मंडल की 133वीं बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि डेयरी द्वारा सरस ब्रांड के माध्यम से गाय के दुग्ध उत्पादकों को भी शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अजमेर डेयरी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे दुग्ध उत्पादक संघों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम व्हील के साथ आगामी 5 वर्षों के लिए अनुबंध किया गया है। डिजिटलीकरण के पश्चात 850 से भी अधिक दुग्ध संघों से डेयरी तक का संपूर्ण कार्य ऑनलाइन होगा। उन्होंने बताया कि डेयरी के नवीन प्लान का शुभारंभ 7 मई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कई मंत्रियों द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस प्लान के आरंभ हो जाने से अजमेर जिले की आगामी 15 वर्षों के लिए दुग्ध संबंधी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाना संभव हो पाएगा। अजमेर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ की कल जो है संचालक मंडल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि गांव के पशुपालक समिति स्तर, बीएमसी स्तर और प्लांट स्तर तक जो है सर्वर से इनको ऑटोमाइजेशन, डिजिटलाइजेशन से कनेक्ट कर रहे हैं। और उसको कनेक्ट करने से जो है जितना दूध किसान देगा, उसका बच्चा आए चाहे घरवाली आए कोई दूसरा है, तो किसान के मोबाइल पे पहुंच जाएगा आपका इतना दूध था। हमारे पास भी रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमारी 850 समितियों में प्रतिदिन कितना दूध, सुबह कितना हो रहा है, शाम को कितना हो रहा है, बीएमसी में कितना आ रहा है, सुबह और शाम को कितना आ रहा है, वो दूध हमारे टैंकर में यहाँ सही सलामत पहुँचे, उससे दूध की मात्रा हमारी बढ़ेगी। तो ये रील कंपनी से जो है डिजिटलाइजेशन का हमने एग्रीमेंट किया। रील पंजाब स्टेट में भी जो है ये काम कर रही है, हरियाणा में कर रही है, और रील भारत सरकार का उपक्रम है, इसलिए टेंडर वाली जो कंडीशंस है उससे हम इसको शिथिलता दे सकते हैं। और वो आपका जो है टेंडर कंडीशन 140 में इनको हमको बोर्ड को पावर है और RCDF से अनुमति लेके इसको चालू करेंगे। दूसरा हम जो है कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में दूध की मात्रा जो बढ़ेगी उसको बेचने के लिए दिल्ली की आनंदा कोई कंपनी है, उससे एग्रीमेंट हुआ है कल। हमारा गांव में किसान दूध पैदा करेगा, उसको जो भाव देंगे वो, प्लस सारे खर्चे समिति के गांव लेवल के, बीएमसी लेवल के टैंकर से लाने का या पास्चराइज करने के बाद में उसके टैंकर में जो हैंडओवर उनके में करेंगे, एक्स डॉक 2 रुपये प्रॉफिट देंगे हम। यदि भाव गर्मी में बढ़ाएंगे तो रेटें उनकी बढ़ेगी, गर्मी में भाव बढ़ेंगे, दूध नेचुरली बढ़ा रहे हैं अपन, 7.5 कर रहे हैं अप्रैल से, तो वो बढ़े हुए भाव भी हमको सब मिलेंगे। तीसरा, हमने नई भर्तियों के लिए भी तय किया है कि नई भर्तियों के लिए RCDF से पुनः अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है कि इस पखवाड़े में जो है नई भर्तियों के लिए जो ऑनलाइन वैकेंसी जारी हो रही है, परंतु उस प्रक्रिया में साल भर कम से कम लगेगा, इसलिए हमारे प्रबंध संचालक जी भाटिया जी और फाइनेंशियल मैनेजर साहब जो रिटायर हो रहे हैं, बोर्ड में निर्णय लिया कि इनकी सेवाओं में इनको RCDF के निर्देशानुसार, नॉर्म्स के अनुसार इनकी सेवाएं वापस जारी रखी जाए। पुराने MD भाटिया जी उनको भी रखेंगे जैसे। और अब जो है दूसरी बात यह है कि आने वाले टाइम में मांग जो है पूरे राजस्थान में और भारतवर्ष में और अजमेर ज़िले में कंज्यूमर्स में इस समय गाय के दूध की ओर रुझान बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए अप्रैल महीने में हम शुरू कर देंगे। यदि किन्हीं कारणों से अप्रैल में नहीं किया तो 7 अप्रैल को हमारे प्लांट का जो इनॉग्रेशन सोनिया जी करेगी, 7 मई को सोनिया जी करेगी, CM साहब, डिप्टी CM साहब, रघु शर्मा जी और जो मंत्री है उनको, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, डेयरी मिनिस्टर, उनको भी बुलाया, भाया जी को, माननीय सदस्यों को सबको बुलाएंगे, माननीय सदस्यों को सबको आमंत्रित करेंगे। और हम चाहते हैं कि गाय का दूध 7 मई से तो बिल्कुल घी और दूध दोनों चालू हो जाएगा, और गाय के जो है दूध की रेट जो है 50 रुपये लीटर रहेगी, और अच्छी क्वालिटी का दूध देंगे, गाय का भी घटिया दूध नहीं देंगे, बढ़िया क्वालिटी का दूध देंगे। गाय का दूध का तो 50 मैं बोल रहा हूँ, घी का 600 बोल रहा हूँ, लोग तो बाजार में 900 और 1000 रुपये, 1500 में बेच रहे हैं, पर हम
600 इसलिए देंगे 600 रुपए किलो, मॉडरेट भाव होना चाहिए, उपभोक्ता हमसे लगातार जुड़ा रहे। हमें 1 किलो 2 किलो तो किसी घर में देना नहीं है, हमें देना तो कम से कम 1 लाख लीटर दूध आएगा गाय का प्रतिदिन। 1 लाख लीटर दूध में से करीबन जो है यूँ मान के चलो आपका 4 टन 5 टन के, 4 और 5 टन के बीच में घी पैदा होगा, और 1 टन में 1000 किलोग्राम है, तो इतना घी पैदा होगा तो वो भी हमें निकालना है, इसलिए भाव बीच का रखना पड़ेगा। गाय का दूध है जो 60 रुपये किलो रखेंगे, गाय का दूध यहाँ कंजम्पशन कम होगा तो दिल्ली की फर्में गाय का दूध लेने के लिए तैयार है, वो गाय का घी लेने के लिए तैयार है। पहली प्राथमिकता हमारे जिले के उपभोक्ताओं को गाय का दूध और घी सप्लाई करना।